अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू गाइस। सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी चल रही है, अभी घर से निकलूँगा थोड़ी देर में बस। अभी राइट नाउ टाइम इज़ 6 in the morning। बढ़िया धूप निकल रही है, बढ़िया धूप हो गई है। तो दाढ़ी देख रहे हो कितनी हो रही है। ये संडे को जाऊँगा कटवाने, भाई संडे कटवाएंगे दाढ़ी, बाल बाल सब कटवाएंगे। यहाँ साला $20-30 के तो वही कटते हैं, तो ऐसे ही है भाई, पर कोई बात नहीं, चलेंगे कटवाने। मूछ का सोच रहा हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, देखेंगे। तभी ये साफा सा ऑर्डर रखा है, ये साफा भी आपको बताया जाएगा किसका है। वैसे किसका क्या है, लड़कियों वाला है तो समझ जाओ किसका। तो बस भाई अब निकलेंगे बाहर, फिर मिलता हूँ आपसे ज़रा। आज हम बात करेंगे वैसे फाउंडेशन कोर्स की, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट की, क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं उस पे यूट्यूब पे। तो मेरा अभी फाउंडेशन चल रहा है, तो मैं आपको फर्स्ट हैंड बताऊंगा कि भाई कैसे कैसे क्या अभी तक मेरे साथ हुआ है। मेरे को 1.5 महीना हो गया, तो मोटा मोटा मुझे समझ आ गया। हाफ वे थ्रू है हम हमारी, कल ही वीक 6 की लास्ट क्लासेस हुई हैं, वीक 5 की लास्ट क्लासेस हुई हैं। अब नेक्स्ट वीक 6 है और वीक 10 वीक्स का कोर्स है। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब तक मैंने क्या एक्सपीरियंस करा, कैसा है, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो विल टॉक अबाउट दैट। तो अभी बाहर निकल के फिर बात करते हैं भाई। तो अब घर से ज़रा बाहर आ चुके हैं और अब धूप इतनी हो गई है कि सनग्लासेस के बिना नहीं सरेगा। तो बात कर लेते हैं फाउंडेशन की कि भाई फाउंडेशन का क्या हिसाब किताब है। तो फाउंडेशन का भाई ऐसा है, यहाँ पे पहले तो फीस है फाउंडेशन की $8,000 के करीब, ठीक है। उसमें 3 सब्जेक्ट हैं और एक इनका लर्निंग फॉर सक्सेस करके फ्री सब्जेक्ट है, वो भी करना मैंडेटरी है, मतलब उसमें भी पास होना ज़रूरी है, नहीं तो वो अगले उसमें डाल देते हैं आपका वो, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं फाउंडेशन में। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस और इकोनॉमिक्स और तुम्हारा वो क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस। तो वन बाय वन बात करूँगा सारे सब्जेक्ट्स की। पहला इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है भाई। उसमें एज द नेम सजेस्ट, आपको बिजनेस में कैसे ईमेल्स लिखनी है, कैसे किससे कम्युनिकेट करना है, वो सिखाया जाता है, ठीक है। ये सुनने में आसान लगता है बट दिस इज़ नॉट ईजी एट ऑल भाई। मतलब मेरे अब तक सबसे कम नंबर जो है ना वो उसी में चल रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में। क्योंकि भाई एक तो क्या है ना, नेचर की भी बात होती है। मैं हूँ, बैकग्राउंड है अपना जाट, ठीक है, थोड़ा देसी बैकग्राउंड है, तो अपना क्या है कि लठ मार चलता है, तो ये तो अपना हो ही नहीं पाता। कम्युनिकेशन वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसे ही है। पहले व्यू दिखाता हूँ तुम्हें, व्यू देखो कितना सुंदर है। देखो आगे की बात करेंगे बाद में, व्यू देखो क्या एक नंबर है, एक नंबर व्यू है भाई। फुटपाथ कितना बढ़िया बना रखा है। अभी आगे 2-3 पेड़ भी आते हैं बड़े सुंदर सुंदर, वो भी दिखाऊंगा। तो फिर क्या है कि बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसमें आपको ईमेल्स लिखनी और ये सब जो है सिखाया जाता है, जो कि एक आसान काम क्या कर रखा है इन्होंने कि टीम असाइनमेंट्स है। तो आप टीम में ना मतलब ये हो जाता है कि थोड़ा हाँ चल जाता है, इजी भी बना रखा है इन्होंने पर टफ भी है एट द सेम टाइम। फिर इंट्रोडक्शन में आपको बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस मॉडल तैयार करना, बिजनेस कैसे रन करता है, क्या होता है, वो सब सिखाया जाता है, ठीक है। फिर सेकेंड होता है आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस। क्वांटिटेटिव रीजनिंग एंड एनालिसिस में क्या, आपको स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सारा मैथ्स है उसमें, आपको लीनियर इक्वेशंस सब कुछ सिखाया जाएगा उसमें, और एक्सेल कैसे यूज़ करना है, एक्सेल पे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो सब सिखाया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव असाइनमेंट्स की सबसे एंड में बात करूँगा, क्योंकि तीनों में मिलते हैं, तो असाइनमेंट्स का कॉमन रखूँगा मैं। फिर उसके बाद आता है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या है कि भाई जिसका थोड़ा सा भी इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है ना, जस्ट लाइक मी, कि मेरा कभी मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी नहीं है, स्कूल में भी साइंस थी और उसके बाद कॉलेज में भी नहीं थी मेरे पास। उसमें क्या है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा इलास्टिसिटी, इन इलास्टिसिटी, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है भाई। इकोनॉमिक्स सबसे वीक है अपनी, पर हाँ बाय गॉड्स ग्रेस थोड़े नंबर सही चल रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। पर सब में ही जो है ये है, इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक पढ़ाई जाएगी भैया, कि भाई कैसे इकोनॉमी काम करती है और मतलब आपको कैसे इकोनॉमी को यूज़ करना है इन अ बिजनेस, उसमें भी असाइनमेंट होता है। अब बात कर लेते हैं असाइनमेंट्स की भाई। हर हफ्ते 1 से 2 असाइनमेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे एवरी सब्जेक्ट के, ठीक है। दो वो आपको असाइनमेंट एवरी सब्जेक्ट, तो हर हफ्ते के 6 असाइनमेंट आपके पक्के ही हैं। मतलब एक तो मिलेगा आपको डिस्कशन फॉर्म और एक प्रॉपर असाइनमेंट मिलेगा जो आपको देना ही देना। और प्रोफेसर्स अपने भाई देख के चुनना, क्योंकि कुछ प्रोफेसर्स एक्सटेंशन नहीं देते हैं और आप एक्सटेंशन मांगने जाओगे फॉर एनी रीज़न वो नहीं देंगे, और असाइनमेंट्स की वेटेज बहुत है आपके उसमें। पहले कैसा था क्या नहीं था, पर अभी हमारे टाइम में क्या है, इन्होंने एग्ज़ाम शुरू कर दिया, हमारे कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे,
हमारे जो भी है सब असाइनमेंट बेस्ड ही है, प्रेजेंटेशन एंड असाइनमेंट्स यही चलता है सारा कुछ, ठीक है ना। अभी भी मेरे सर पे 6 असाइनमेंट रखे हैं जो मेरे को प्रिपेयर करके सबमिट करने हैं, तो संडे को करेंगे भाई सारे असाइनमेंट, बाहर भी जाएंगे असाइनमेंट भी बनाएंगे। संडे मेरा पूरा पैक्ड है, एक दिन छुट्टी का वो भी पैक्ड है पूरा। तो ये है भाई, और अब बात कर लेते हैं कि कैन यू वर्क ऑन दिस फाउंडेशन कोर्स। आप 20 घंटे जो लिमिट है, क्या आप वो काम कर सकते हो या नहीं? तो भाई देखो, आप काम नहीं कर सकते हो, प्रिपेटरी कोर्स है, क्योंकि और स्टडी परमिट की गाइडलाइंस में साफ लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग योर प्रिपेटरी कोर्स यू कैन नॉट वर्क फॉर इवन 20 आवर्स अ वीक, तो इसलिए काम करना अलाउड नहीं है। बाकी इफ़ यू कैन फाइंड समथिंग, मतलब रोकेगा तो आपको कोई भी नहीं, पर आप जब एंड में वर्क परमिट और PR अप्लाई करोगे तो आपको जो है दिक्कत आएगी। तो अभी के 2 महीने के पीछे, 2-3 महीने के पीछे किस लिए रिस्क लेना भाई अपने वर्क परमिट के साथ, वो वाली बात है, क्योंकि रिवॉर्ड इज़ वे स्मॉलर देन द रिस्क दैट यू आर टेकिंग। तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है 20 घंटे काम करने का जो कि आपको एंड में ट्रबल दे दे, तो इसलिए भाई मत करना। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, मैं भी नहीं कर रहा सिन पे काम, बाकी आप देख लो भाई, सबका जुगाड़ अपना अपना, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है। यही थी इसकी बात भाई, और इसमें जो है पास होने के लिए आपको एटलीस्ट 72% हर सब्जेक्ट में चाहिए ही, तभी आपको ये जो है MBA में प्रमोट करेंगे, नहीं तो आपको जो है रिपीट करना पड़ेगा। तो पूरा भाई ढंग से करना इसको, क्योंकि कौन ही $2,500 पर सब्जेक्ट खर्च करना चाहेगा, दैट्स नॉट वर्थ इट भाई, बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये है, और पढ़ाई ठीक है पर इनका वैसे स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे ही है। बाकी भाई अब इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, बिकॉज आई हैव अदर थिंग्स टू डू एज वेल। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो, ये क्या हर बार बोलना पड़ता है, तो और शेयर भी करो आगे ताकि ग्रो करें बढ़िया करके। तो ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। बाकी अगर आपको और कोई नॉलेज वीडियो कुछ भी चाहिए हो मेरी तरफ से, तो यू कैन लेट मी नो, ड्रॉप योर सजेशंस इन द कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, तुम्ही से कंटेंट मिलेगा भाई। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।